हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शिवम सिंह और यहाँ मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया है। अभी तक हम लोग 3 लेक्चर्स कर चुके हैं और एक एक्सरसाइज कर चुके हैं, और दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज, दैट इज 1.2 ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर। एंड इसके बाद मैं एक और लेक्चर लूँगा जिसमें कि आपके लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स रहेंगे, PYQs, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम्स। तो जो सेकेंड एक्सरसाइज है 1.2, इसमें ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, सबको इरेशनल प्रूव करना है। तो मैंने एक सीक्वेंस बना दिया है, इस सीक्वेंस में करेंगे तो आसानी रहेगी करने में। शुरू करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हमको प्रूव करना है √5 इज इरेशनल। तो आपको बताया गया था ड्यूरिंग द लेक्चर, मैंने कई सारे एग्जाम्पल करा दिए थे ड्यूरिंग द लेक्चर, एक्सरसाइज के भी, प्रीवियस ईयर के भी, और एग्जाम्पल्स भी कराए थे। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा, और जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है वो यहाँ पे एक बार बस देख लें, ओनली सिंगल टाइम आप सोल्यूशन देख लीजिए। इसका एक फिक्स पैटर्न है इसको इसको प्रूव करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल एज्यूम दैट √5 इज रेशनल। लेट अस एज्यूम √5 इज रेशनल। और कोई भी रियल नंबर रेशनल है तो उसको हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, किस फॉर्मेट में? दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ PYQ। तो √5 को हम लिख दिया इन द फॉर्मेट ऑफ PYQ, वेयर पी एंड क्यू हो गए आपके इंटीजर्स, इंटीजर, एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब पॉसिबिलिटी है कि पी और क्यू में कुछ कॉमन हो, लाइक अगर ये रैशनल नंबर है, पॉसिबिलिटी है पी और क्यू में कुछ कॉमन हो, लाइक P20 हो, Q8 हो, तो कैंसिल आउट होके कितना आएगा? 5/2। तो मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट में चले जाए हम लोग, 5/2 के फॉर्मेट में। इफ देयर इज सम कॉमन फैक्टर फॉर पी एंड क्यू, देन डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाई दैट फैक्टर, उस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारा आता है a/b, हमने एज्यूम किया। और देखिए, अगर कॉमन फैक्टर्स डिवाइड कर दिया, इसके बाद कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन, हमने जैसे यहाँ 5/2 हमारा आ गया, तो यहाँ पे इन दोनों बीच कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली वन है। अब एक ये अब नहीं कटेंगे, तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर ओनली वन, हम कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो यहाँ हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, जो √5 इज इक्वल टू a/b लिखा हुआ है, हेयर ए एंड बी, ए बी आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर। ए और बी आपका को प्राइम नंबर है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा √5b इज इक्वल टू ए, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 5b² इज इक्वल टू ए। तो क्या हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, इसको हम लिखना चाहें a² इज इक्वल टू 5b² और देखिए सिंगल ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद सारे सारे पांचवें क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, जो भी टाइम लगना है इसी में लगना है। तो यहाँ a² = 5b² हो गया, तो क्या मतलब हुआ इसका, a² को लिखा गया है इन द फॉर्म ऑफ 5b², मतलब 5 जो है a² को डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर 20 है, इसको लिखा गया है 4 × b², इसका क्या मतलब बनता है, 4 आपका 5 को 20 को डिवाइड करेगा, मतलब 4 इज फैक्टर, 4 इज बेसिकली फैक्टर ऑफ दिस, मतलब यहां से निकल गया यार कि 5 डिवाइड्स a² यहां से इंप्लीमेंट हो सकता है कि 5 विल डिवाइड
ए, क्यों? इफ, यहां लिख दीजिए, इफ अ प्राइम नंबर, प्राइम इट इज अ थ्योरम, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर देन इट विल डिवाइड पॉजिटिव दैट पॉजिटिव इंटीजर दैट पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो. ये थ्योरम लिख लीजिए आप लोग. अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को डिवाइड करेगा. ओके, तो अब देखिए ट्विस्ट यहां आने वाला है. अगर 5 ए को डिवाइड कर दे रहा है तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5 × r, वेरी इजिली इट कैन रिटन. अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो ए कैन रिटन एज अ 5 r. ओके, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे. देखिए अगर 5 20 को डिवाइड कर दे रहा है तो 20 को क्या हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 5 × something, यहाँ r की वैल्यू 5 × 4 होगी. ठीक है, अगर a की वैल्यू 20 हो जाएगी तो r की वैल्यू 4 हो जाएगी. इस कॉन्सेप्ट समझिएगा. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. पुट ए इज इक्वल टू 5 r इन इक्वेशन 1. तो यहां वैल्यू पुट अप कर दीजिए तो यहां क्या आएगा, 5. देखिए 5 b² जो ए स्क्वायर है तो 5 b² ऐसे ही आ जाएगा. यहां अब इस तरफ ए स्क्वायर राइट साइड पे है तो यहाँ आएगा 5 r² 4 स्क्वायर. बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 × r² ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 × r² तो फिर से नोटिस करिए, जो आपने यहाँ नोटिस किया था कि ए स्क्वायर छोटू 5 b² ऐसा है तो 5 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को. अगर यहां भी देखिए वही है, बी स्क्वायर टू 5 r² तो 5 डिवाइड करेगा बी को. ठीक है, यहां 5 डिवाइड बी. अब मेन क्वेश्चन नोटिस कर लिया होगा, यहां एक ब्लंडर हो गया है. ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन देर इज अ ब्लंडर, वेरी बिग ब्लंडर. हमने ए और बी को क्या अज्यूम किया था, को प्राइम नंबर्स, देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर रादर देन वन. वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. और यहाँ देखिए आप, 5 will divide ए, इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए. और यहाँ 5 divide बी, इट मीन्स 5 will be फैक्टर ऑफ बी. इट इज द ब्लंडर. हेयर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स. यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है. देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है. 5 will divide ए, मतलब 5 a का फैक्टर हो गया. 5 divides बी. कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई बी कैसे डिवाइड कर रहा है. ये सिंपल से यहाँ लिखना चाहिए था, एक स्टेप में स्किप कर गया. यहाँ आप लिख लीजिए उसको भी.
फाइव डिवाइड बी स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट फाइव विल डिवाइड, ये मैंने कैसे लिख दिया इस थ्योरम की हेल्प से, बाय दिस थ्योरम वी कैन राइट इट डाउन। ओके, और ब्लंडर यही है, देखिए मेन चीजें दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, दिस वन एंड दिस, ठीक। क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, हेयर फाइव इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ओके, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट फाइव इज रेशनल नंबर। ओके, यही सब सबकी जड़ है कि हमने यहां रॉन्ग अज्यूम किया था, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन that root 5 is, sorry, root 5 is rational. Hence root 5 is irrational. This is proof. You can note it down. This is complete solution and this is a fixed pattern to prove any irrational number irrational. Okay, ये fixed pattern है. इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना है. अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो ये questions है ना, ये सारे एक झटके में हो जाएंगे with the help of this pattern. ठीक है, तो आपका ये first question is completed. इसको आप video pause करेंगे और इसको पूरा note down करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. हमारा conclusion क्या निकला? Conclusion is this. Root 5 is irrational. With the help of these two statements, 5 will divide A, 5 will divide B. Note कर लीजिए इसको. चलिए देखिए, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट. इसमें हमको प्रूव करना है 1 by root 2 को irrational प्रूव करना है. तो कुछ भी नहीं, मैंने आपसे कहा था फिक्स पैटर्न है यहाँ पे, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है रूट फाइव वन बाई रूट टू इज रेशनल. हम एज्यूम कर लेंगे वन बाई टू, वन बाई रूट टू इज रेशनल, और हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है भाई, तो फिर यहाँ हमको वन बाई रूट टू रखना पड़ेगा, वन बाई रूट टू इज रेशनल. लेकिन हो सकता है जो पी एंड क्यू है इसमें कुछ कॉमन आए, इफ देर इज सम कॉमन फैक्टर और P and Q, then divide by, dividing by that common factor, and अगर हम divide कर देंगे, divide करने के बाद हमारा आ जाता है A and B. अब A and B में कोई भी common factor नहीं है, okay? A and B में कोई common factor नहीं है, तो इसको हम कह देंगे co-prime number. यही देखिए, ये आपके solution की basement नींव रख रहा है line, okay? अब हम इसको कर देंगे cross multiply, तो यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा बी ए रूट फाइव. ओके, इसको आप स्क्वायर करेंगे इस फर्स्ट लाइन को, तो यहाँ आपका आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया. इसका मतलब बी को डिवाइड करेगा टू, क्योंकि यहाँ मल्टीपल फैक्टर लिखा है. यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर टू 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 ए स्क्वायर है, इसका मतलब बी को डिवाइड करेगा टू, बिकॉज यहाँ पे टू एक फैक्टर है बी स्क्वायर का. देन बी विल डिवाइड, बी विल डिवाइड बाय, बी विल डिवाइड बाय टू, टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, इफ अ प्राइम नंबर, टू इज अ प्राइम नंबर, डिवाइड्स अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर, बी इज अ पॉजिटिव इंटीजर बिकॉज हमने प्राइम नंबर दिया हुआ है इसको, तो अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो टू आपका डिवाइड करेगा बी को भी, टू विल डिवाइड बी ऑल्सो,
तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ले यहाँ लिख सकते हैं बी इजक्वल टू टू आर, बी इजक्वल टू टू आर, ओके। एंड बी इज इक्वल टू टू आर की वैल्यू हम पुटअप करेंगे इन द इक्वेशन नंबर वन। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुटअप करेंगे बी इज इक्वल टू टू आर, ओके। बी इज इक्वल टू टू आर हमने पुट किया इस इक्वेशन में, तो इसमें पुटअप करने के बाद देखिए टू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, ओके। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा फाइनली टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर कैसे लिखा गया है, टू इन टू आर स्क्वायर, इट मीन्स टू विल डिवाइड ए स्क्वायर, यहाँ टू जो है ए स्क्वायर डिवाइड करेगा, ओके। टू डिवाइड ए स्क्वायर, टू अगर ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम टू विल डिवाइड ए ऑल्सो, टू आपका ए को डिवाइड करेगा। यहां देखिए टू विल डिवाइड बी एंड टू विल डिवाइड ए, यहां पे जो टू है वो कॉमन फैक्टर आ गया है ए एंड बी का, टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। और यहां हमने क्या अज्यूम किया था, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, और ए एंड बी को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका कॉमन फैक्टर बस ओनली वन आएगा, वन के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो सेम थिंग हैज बीन रिटन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू द रॉन्ग अज्यूम्पशन दैट वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू इज रेशनल नंबर, ये हमने गलत अज्यूम्पशन लिया था। तो यहाँ हमारा क्या कंक्लूजन आया, फिर वन बाई रूट टू इज इरेशनल नंबर, ओके। हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो प्रूव्ड। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए सिक्स प्लस रूट टू को प्रूव करना है कि इरेशनल, क्या क्वेश्चन है हमारा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, थर्ड का फर्स्ट हो गया, और हम जा रहे हैं थर्ड के थर्ड पे, इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो देखिए अगर इसको मुझे प्रूव करना है सिक्स प्लस रूट टू को इरेशनल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखिए आपका बोर्ड में क्वेश्चन आता है और उसमें ये नहीं दिया गया है कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, तो आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा रूट टू इरेशनल है। तो उसके लिए सेम प्रोसीजर फॉलो अप होगा, इतना आप करेंगे पहले, ये मैं करने दिखाता हूँ, आई होप आपने ये पहले नोट कर लिया होगा, इसके बाद आप इस पर होंगे। आप सेम प्रोसीजर करेंगे पूरा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए रूट टू को प्रूव करना है तो वी हैव टू डू दैट अगेन सेम एक्सरसाइज। इसको प्रूव करना है तो हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम रूट टू इज इरेशनल नंबर, और रूट टू रेशनल है, सॉरी रेशनल है, तो हम रूट टू को लेस लिख सकते हैं, रूट टू इज टू पी बाई क्यू, जहाँ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और हो सकता है पी और क्यू में कुछ कॉमन हो, इफ देयर इज सम कॉमन फॉर पी एंड क्यू देन डिवाइडिंग इट बाई दैट फैक्टर, अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो, और हम डिवाइड करते हैं हमारा निकल के आता है, निकल के आता है ए बाई बी। अब ए एंड बी में कुछ कॉमन नहीं है एक्सेप्ट वन, तो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ओके। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा रूट टू बी इंटू ए, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे आ जाएगा टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब देखिए ए स्क्वायर अगर लिखा गया है एज टू इंटू बी स्क्वायर, तो जो टू है ए को ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो टू विल डिवाइड, टू डिवाइड ए स्क्वायर, और टू डिवाइड ए स्क्वायर। हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर पर डिवाइड कर रहा है तो सेम प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ये देखिए यहाँ थ्योरम लिख दी गई है, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स अ पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर देन इट विल डिवाइड दैट पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो, ओके। अगर ऐसा है कि टू विल डिवाइड ए, तो हम ए को कैसे लिख सकते हैं, ए कौन लिख सकते हैं एज अ टू आर। अब ए इज इक्वल टू टू आर की जो वैल्यू है, ए इज इक्वल टू आर की जो वैल्यू है उसको हम पुटअप करेंगे इन द इक्वेशन नंबर वन। हमने जब इसमें पुटअप किया ए इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या निकल के आया देखिए भाई,
टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, ए क्या है, 2r। इसको सॉल्व करिए आप, तो यहाँ आएगा 2b² = 4 r² 2 से ये कैंसिल हुआ, यहाँ 2 हो गया। इट विल इम्प्लाई दैट b² = 2 2 r² ओके। अब b² को लिखा गया इन द फॉर्म ऑफ 2 into r² इसका मतलब कि 2 एक फैक्टर निकल के आ रहा है b² का, मतलब 2 डिवाइड कर देगा b² को, देन 2 डिवाइड b² अगेन सेम थ्योरम। अगर 2 b² डिवाइड कर रहा है और 2 यहाँ प्राइम नंबर है तो b, b आपका पॉजिटिव इंटीजर है, 2 अगर b² डिवाइड कर रहा है तो 2 आपका b को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ b कर लीजिए, वेरी सिंपल, बी को डिवाइड करेगा। उसके बाद देखिए, अगर 2 बी को डिवाइड कर रहा है और यहाँ ऊपर देखिए 2 ए को डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, जबकि हमने यहाँ मान लिया है कि ए एंड बी को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसमें 2 कॉमन नहीं होना चाहिए था, अगर प्राइम को प्राइम नंबर्स हैं तो देर इज बी ओनली वन कॉमन, दैट इज वन वन कॉमन फैक्टर। यहाँ 2 कॉमन फैक्टर आ गया, 2 आ गया कॉमन फैक्टर में, इसका मतलब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है। विच कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्यों अराइज हुआ था, क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन लिया था कि √2 रेशनल है, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अगर क्वेश्चन आया कि इसका प्रूफ करिए इरेशनल, तो पहले आपको पूरा करना पड़ेगा इतना क्या था, और मेनली अगर ऐसा आता है ना तो कम से कम वो 4 या 4 नंबर में देंगे, 4 नंबर से कम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ओके, कुछ है नहीं इसमें। अब इसका जो अगला स्टेप है ना, 6 + √2 को प्रूव करना कि ये इरेशनल है, बहुत सिंपल है वो, बहुत ही सिंपल। पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर इसको प्रूव करने दिखाता हूँ मैं कितनी आसानी से प्रूव हो जाता है। देखिए, हमारे पास अभी कंक्लूजन क्या है कि √2 इज इरेशनल, ये कंक्लूजन है हमारे पास। हम फिर से एक एग्जांपल लेंगे, लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल। ओके, अगर रेशनल है तो हम 6 + √2 को लिख सकते हैं लाइक c/d, जहां पे c और d इंटीजर्स हैं एंड d इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, √2 = c/d - 6, दैट इज इक्वल टू c - 6d/d। अब यहाँ देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है, c और d दोनों ही इंटीजर हैं, c और d दोनों ही इंटीजर हैं, तो ये जो पूरा हिस्सा बनेगा, ये जो पूरा हिस्सा बनेगा वो रेशनल होगा, सिंस सिंस CD आर इंटीजर्स, c - 6d/d विल बी रेशनल नंबर होगा इसके। अगर राइट हैंड साइड पे रेशनल नंबर है तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। इट इंप्लाइज दैट √2 इज रेशनल। और व्हाट वी हैव प्रूव जस्ट नाउ, हमने क्या प्रूव किया, इतनी लंबी कथा जो हमने रची थी, क्या कर प्रूव किया था, √2 इज इरेशनल। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, वी प्रूव दैट, वी प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, हमने प्रूव किया था, यहां आ चुका है कॉन्ट्रडिक्शन। दिस कॉन्ट्रडिक्शन आप सिंपली आप लिख दीजिए, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू
रॉन्ग अजम्पशन दैट 6 + √2 इज रेशनल, ये हमने रॉन्ग अजम्पशन लिया था. देयरफॉर 6 + √2 इज इर रेशनल. ओके दिस इज प्रूव्ड. पहले आपको जो पिछला बोर्ड था वो प्रूफ वो नोट करना था, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए. एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ सिक्स, ये प्रूव हो गया 6 + √2 इज इरेशनल. ओके और अगर देखिए, अगर यही क्वेश्चन 2 या 3 नंबर पे आएगा ना, तो आपको पहला स्टेप नहीं करना है, रूट टू को इरेशनल प्रूव नहीं करना होगा, वो मोस्टली टाइम में दिया रहेगा आपको. तब आपको इतना ही करना है बस, जो यहाँ सामने दिख रहा है कि सबसे पहले आप 6 + √2 को मान लेंगे ये रेशनल है, उसको लिख लेंगे CYD के फॉर्मेट में या PYQ के फॉर्मेट में, क्योंकि मैं PYQ और AYB यूज कर चुका था तो मैंने यूज नहीं किया. आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √2 = C - 6D/D. C और D दोनों इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये भी एक रेशनल नंबर होगा, ये PYQ के फॉर्म में आएगा, समथिंग लाइक दैट. और ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, तो ये रेशनल है तो रूट टू भी रेशनल हो गया. बट वी हैव प्रूव्ड दैट, हमें पता है, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर 2 नंबर क्वेश्चन होगा भी लिख सकते हैं, वी नो दैट, वी नो द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल. इतना लिख के फिर लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग अजम्पशन दैट 6 + √2 है इज रेशनल. ठीक है, इतना ही है. एंड दिस इज कम्प्लीट, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. आपका ये क्वेश्चन हो गया, देखिए ये वाला. नाउ यू टू प्रूव दिस 3 + √5 3 + √5 इज इरेशनल. अगर देखिए 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल, जो कि मैंने स्टार्टिंग में फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रूव किया था. ठीक है, तो पहले आप जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जो दिस इसका प्रूफ था, वो पूरा नोट करेंगे. ठीक है, और प्रूफ पूरा नोट करने के बाद यहाँ कंक्लूजन लिखेंगे. कंक्लूजन क्या रहता है, पहले पूरा नोट करेंगे, अब जितना वही था पूरा भरा हुआ बोर्ड था, पहले पूरा नोट करेंगे ये सब, उसके बाद आगे कंक्लूजन लिखेंगे कि हमने प्रूव किया था, हमने प्रूव किया था √5 इज इरेशनल, ये हमारे पास प्रूफ था. अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर 4 से 5 नंबर क्वेश्चन है और ये नहीं दिया गया कि √5 इज इरेशनल, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, और 2 या 3 नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा. ठीक है, तो आपको ये इसको प्रूव नहीं करना पड़ेगा, जो पहला बोर्ड है वो प्रूव नहीं करना पड़ेगा. डायरेक्टली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम 3 + √5 इज रेशनल. ओके, हमने इसको जैसे रेशनल एज्यूम किया, हम इसको लिख सकते हैं 3 + √5 को हम लिख सकते हैं लाइक C/D, जहां पे C और D आपका इंटीजर है एंड D शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है. इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा √5 = C/D - 3 2/√5 C - 3D/D एंड √5 = C - 3D/2D, इतना आया. ओके, इतना निकल गया यार. सिंस हमें पता है, वी नो दैट, इसको नोट करते हुए चलेंगे आप लोग, सिंस सिंस सी डी आर इंटीजर्स, C - 3D/2D जो है ये हो जाएगा रेशनल. अगर राइट हैंड साइड आपका रेशनल है, ये राइट हैंड साइड रेशनल है, तो लेफ्ट हैंड साइड रेशनल होगा. इट विल इम्प्लाई दैट √5 इज √5 रेशनल है.
एक वाई ए करेगा, बट यू नो द फैक्ट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, किस फैक्ट से ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कि हमने ये प्रूव किया था कि रूट फाइव जो है इरेशनल है, और यहाँ क्या निकल के आ गया है, रेशनल। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल, इससे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया इरेशनल। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये कंडीशन अराइज ही क्यों हुआ, दिस कंडीशन हैज बीन अराइज एंड ड्यू टू द रॉन्ग अज्यूम्पशन, हमने यही पे रॉन्ग अज्यूम किया हुआ है कि 3 + √5 इज रेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज एंड ड्यू टू रॉन्ग अज्यूम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन दैट, क्या अजम्पशन था, 3 + √5 इज रेशनल, दैट 3 + √5 इज रेशनल। ओके दिस इज प्रूव, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको, अगर 4 से 5 नंबर क्वेश्चन है और नहीं दिया गया है कि रूट फाइव इरेशनल है, तो आपको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा रूट फाइव इज इरेशनल, जो मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसको पूरा अपने लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से फिर हम इसको एज्यूम करना शुरू करेंगे इसके बाद, अगर यार पूरा एज्यूम लिखेंगे, ठीक है। अगर 2 से 3 नंबर क्वेश्चन है वहाँ पर हम सीधे डायरेक्टली यहाँ शुरू करेंगे, वहाँ मोस्ट प्रॉबली दिया रहेगा कि रूट फाइव इज इरेशनल। ओके इसको नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, हमको प्रूव करना है कि 7 √5 इज इरेशनल, तो ये बेसिकली 2 या 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे मोस्टली दिया होगा कि √5 इज इरेशनल, मान के आपको चलना है, ठीक है, 2 नंबर में आपको मान लेना है। तो वी हैव द कंक्लूजन दैट √5 इज इरेशनल, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि 7 √5 इज रेशनल, हम एज्यूम कर लेते हैं, चलिए हमने एज्यूम कर लिया कि 7 √5 इज रेशनल, हम इसको लिख सकते हैं, 7 √5 लिख सकते हैं हम लाइक सी बाई डी, जहाँ पे सी और डी इंटीजर हैं एंड डी इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए तो यहाँ आएगा 5 √5 = c/7d, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहुँचने वाला सिंस सी एंड डी आर इंटीजर्स, सी एंड डी इंटीजर हैं, तो जो सी बाई 7d है ये आपका रेशनल रहेगा, ओके रेशनल है, अगर राइट हैंड साइड आपका रेशनल है सी बाई 7d, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो रेशनल होगा, तो क्या निकल के आ रहा है कि √5 भी आपका रेशनल है, बट वी नो द फैक्ट, हम फैक्ट जानते हैं कि √5 इज इरेशनल, यहाँ पे लिख देंगे इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, ओके कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, और दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन आया है क्यों, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है बिकॉज द रॉन्ग अज्यूम्पशन दैट वी हैव टेकन द रॉन्ग अज्यूम्पशन दैट 7 √5 इज रेशनल, ये आप लिख लीजिए, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन अराइज एंड ड्यू टू द रॉन्ग अज्यूम्पशन दैट 7 √5 इज रेशनल, दिस इज फाइनली प्रूफ, हमें सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ओके और हमने नोटिस किया होगा कि एक ही तरीका है यहाँ पे, यहाँ पे फिक्स पैटर्न है, उसी पे सॉल्यूशन आ रहा है और कुछ भी नहीं है, बेसिकली रट्टा मारने की चीज़ है, और आप 2-3 बार कर लेंगे क्वेश्चन को ना, फिर आराम से आपके 2-3 नंबर हो गए, कुछ सोचना नहीं है, ओके बस आपको एक ही चीज़ और याद रखनी है, और उसको लिखना ज़रूरी है, जब हम प्रूव करते हैं √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल, √11 इज इरेशनल, एक थ्योरम यूज होती है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, बस यही एक सिंगल थ्योरम है जो कि यूज हो रही है टू प्रूव इरेशनलिटी, ओके चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।